पूछ रहा हूँ, जैसे आप लोग बोल रहे थे ये समस्याएं हैं वो समस्या, क्या क्या यहाँ मुख्य तौर पर समस्याएं हैं? अरे हो गया समस्या थोड़ा तो पहली समस्या नहर नहीं आई हमारे नहर में। क्या क्या वजह है कि नहर नहीं आता? लोग जाना भैया, लोगों में तो आप लोग भी हो, लोगों में हैं। नहर के इतिहास हम बताएंगे, यही थी अपना कुनिया बरा है, चांदी द्वान सिंचाई योजना चालू रही और यहाँ चढ़ाई खटिया तक कहाँ तक पानी आ रहा, तो आज भाई नहर बंद पड़ी है। अच्छा, चालू नहीं आया, जो चालू थी वो भी बंद, वो भी बंद है। अब नहीं सिरे से तो कोई बात नहीं, तो क्यों, क्या वजह है? वजह ये है कि ना तो जो अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं है। ना तो सही जो वसूली होनी चाहिए वसूली नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मतलब किसान पैसे नहीं देते, नहीं देते। जब पैसे नहीं देंगे तो विद्युत मंडल को पैसा नहीं जाएगा, तो कनेक्शन काट देगा। तो ये बताओ, नहर से सिंचाई सस्ती पड़ती है कि नहर से सिंचाई सस्ती? क्यों पैसे नहीं देते? अब बताइए कि 100 रुपए एकड़ या 200 रुपए एकड़ की सिंचाई हो रही है और नहीं देते हैं, तो गलती नहर वालों की थोड़ी है, तो किसानों की गलती है। तो क्यों किसान नहीं देते? क्या आप लोगों को कुछ आइडिया है कि क्यों नहीं देते? आइडिया ये है कि विकास यदि हुआ है, देखिए विकास यदि हुआ है तो विकास का जो लाभ मिलना चाहिए लेना नहीं चाहते हैं। अच्छा, जैसे देखिए अब वो नहर बंद पड़ी है, सब मिल करके सीजन बाई सीजन और वहाँ पैसा चुकता कर। अब देखिए जहाँ पहुंची है नहर वहाँ के लोग बिल नहीं दे रहे हैं, जहाँ नहीं पहुंची जैसे आप लोगों के, आप लोग रो रहे हो कि नहर आ जाए हम लोगों की। देखिए जिस व्यक्ति के घर में 500, 1000 बोरा, 2000 बोरा धान होती थी, आज उनके यहाँ 10-5 बोरा के लिए परेशान है। अरे ये स्थिति है। तो नहर के अलावा और क्या समस्या है? और नहर के बाद बाकी तो बिजली वगैरह सब ही है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में ठीक है, सरकारी स्कूल बढ़िया चलती है, बहुत बढ़िया बिहार नहीं चलती, बच्चे मीडियम, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल चार घर समान जनरली यहाँ के बच्चे पढ़ने में ठीक जागरूक और अभिभावक भी जागरूक है। अब ये है कि कोचिंग वगैरह की व्यवस्था तो यहाँ है नहीं सही ढंग से, सब चाकर भाग की तरह, ये सब जाने आने में दिक्कत है और पढ़ाई का जो स्तर है यहाँ कमजोर है। अच्छा, क्यों कमजोर है? बस वही कि नहीं, लेकिन देहात में एक अपने त्योहार में एक चीज तो मुख्य तौर पर है कि हर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं, इवन कि अपनी जो खेत की जमीन से निकली हुई फसल है उसको बेचते हैं और 60-70% उससे जो आमदनी होती है बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं यहाँ जो खुद को यहाँ पे रहते हैं, किसान यहाँ पे रहते हैं और अपने पत्नी और बच्चों को रीवा में, इलाहाबाद में छोड़ के पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षा के लिए तो जो अभिभावक है वो तो है ज्यादा, मेरे ख्याल से अभी जो सरकारी स्कूल है उनका स्तर गिरा है पहले के अपेक्षा। थोड़ा फोकस उन सरकारी विद्यालयों में किया जाए, फोकस का मतलब कि अधिकारी लेवल ऊपर से थोड़ा दबाव बनाए। विधायक जी का कार्यकाल कैसा है? कार्यकाल तो पूरा ही होने वाला है, क्या मतलब है? इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, अब हर जगह की जनता जैसे अब ये बताई ही काकू हरे राय, इनसे थोड़ा जानकारी ली। भाई काकू भाई राजनीति से बात नहीं करते हैं, ये आपका जैसे गांव का नाम है परिवार, परिवार इस गांव का नाम परिवार क्यों पड़ा? अभी तो आपका ये जो गांव है परिवार, परिवार का नाम परिवार क्यों पड़ा? परिवार है नहीं, तो वो नाम के पीछे की क्या वजह है? परिवार जैसे बड़ा गांव का नाम बड़ा गांव है क्योंकि लोग बोलते हैं कि वहां 2 ऊंट सिंदूर गया था और लोगों ने जस्ट थोड़ा थोड़ा चेक करने के लिए लिया कि चेक करते हैं सिंदूर की क्या क्वालिटी और खत्म हो गया, इसलिए वो इतना बड़ा गांव था कि उसका नाम बड़ा गांव पड़ गया। तो आपके इस गांव का ये नाम क्यों पड़ा? अब पजा नहीं धक्का नहीं मार, परिवार। आप ये बताइए जैसे जब आप 12-14 साल के थे स्कूल में पढ़ते थे या स्कूल में पढ़ने की आप स्कूल पढ़ने गए थे? हम नहीं पढ़े,
अच्छा इनको नहीं सुनाई देता सरपंच के है सरपंच